कि डिफेक्ट हो क्या रहा है। जैसे मैंने क्या बोला, आपके स्कूल में क्या था कि जो हमारा स्कूल है, हमारा स्कूल है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल है आपका, ठीक है, लेट मी से दिस इज योर स्कूल। स्कूल में क्या हो रहा है, हर बेंच पे एक बॉय एक गर्ल बैठ रहा है। मतलब यहां पे फॉर एग्जाम्पल बॉय वन गर्ल वन, बॉय वन गर्ल वन, इस हिसाब से यहां पे सिस्टम चल रहा है। बॉय सीट पे हमारे पास एक बॉय, जो बचपन में आपको लगता था कि पनिशमेंट है ये, ठीक है, तो वन बॉय एंड वन गर्ल बैठे हर बेंच के ऊपर, आपके पास वन बॉय एंड वन गर्ल बैठे, ठीक है। अब रिसेस हुआ, अब रिसेस, ये जो लास्ट बेंच है वो खाली पड़ा है, ताकि जो ऐसे नाक नाक वाले इमोजीज भेजते रहते ना बीच बीच में चैट में, उन सभी को अपन वहीं पे बिठाएंगे और जब प्रिंसिपल आएगा तो उनको डांट मार के वो बाहर फेंकेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आप ये एक आइडियल केस है, मतलब बिफोर रिसेस आपकी इंग्लिश की कक्षा थी तो एक आइडियल केस था जहां पे सबके सब ऐसे बैठे थे। अब रिसेस हो गया, अब तो भाई पीटी टीचर आ गया, अब तो सब भाई माहौल बन जाता है। तो अब क्या हुआ, अब हम लोगों ने रिसेस लिया, रिसेस में हड़कंप मच गया, मतलब उसमें क्या हो गया, रैंडमनेस बढ़ गई, सारे बच्चे बाहर जाके खाना खा रहे थे ऑब्वियसली। अब रिसेस के बाद क्या हुआ, हड़कंप मच गया, सारे आराम से बाहर जाके अपनी कैंटीन में फॉर एग्जांपल समोसा खा रहे हैं, समोसा बहुत टेस्टी है, तो हर पर्सन अब दो दो समोसे खाने लग पड़ा। समझने के लिए, हर पर्सन को टाइम लग रहा है, मतलब अगर उसको 10:55 तक वापस आना था, 10:55 तक, तो वो पर्सन कहीं जाके 11:10 को वापस आ रहा है, मतलब वो पर्सन बेसिकली लेट हो गए। मतलब बहुत सारे लोग यहां पे लेट हो रहे हैं, कुछ कुछ लोग जल्दी आगे, चलो कुछ कुछ लोग जल्दी भी आगे, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं आगे वाले, अच्छे अच्छे बच्चे वो यहां पे आके बैठ गए, बन सके बैठ गए यहां पे आके बैठ गए, ठीक है, कुछ कुछ अच्छे बच्चे। लेकिन कुछ बच्चे क्या है, वो बिल्कुल चिल मारने वाले बच्चे हैं, तो उनके साथ क्या हुआ, वो बाहर रह गए, तो अब वो जल्दी, अब वो अंदर आना चाह रहे हैं, तो अब अंदर आने के लिए वहां पे रैंडमनेस बढ़ेगी। तो रैंडमनेस के द्वारा हुआ क्या, बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां पे कुछ अब ऐसा सिनेरियो बन के आ गया। मजा ना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मतलब अगर मुझे एक चीज बताना, इनिशियली अगर आप इसको एक फिजिकल कंपाउंड मानते हो, तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, B5G5 दैट इज इक्वल टू BG, समझ रहे, मतलब मैं उस हिसाब से डील करना चाह रहा हूं, मतलब ऐसा मान लो 5 Na 5 Cl उस हिसाब से, या 5 boys 5 girls, तो कुछ ऐसा बन रहा है। अब रिसेस के बाद हमारे पास ये सीन बन के आ गया जो आपके सामने है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सबसे ये। अब एक और बार क्या हुआ, ये सेम रिसेस यहां पे हो रहा है, एक और केस बन सकता है ना, यहां पे एक और रिसेस में सेम केस बन सकता है, और वो केस हमारे पास क्या बन सकता है, बन सके कुछ बच्चे लेट थे, ये केस नंबर 1 है, जहां पे सारे बच्चे क्लास के अंदर तो पहुंच गए, लेकिन क्या हुआ, वो अपनी सीट्स पे नहीं बैठ पाए, वो किसी और सीट पे बैठ गए, बिकॉज हड़कंप मचा। अब क्या हुआ, केस नंबर टू ये हुआ, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात, हर स्कूल में क्या होता है, हर क्लास में एक कपल होता है, ठीक है, तो यहां पे भी हमारे पास एक कपल बन रहा था, जैसे ये है वो कपल। अब रिसेस चल रही है, रिसेस खत्म हो गई, ठीक है, लेकिन इनकी बातें खत्म नहीं हुई, तो ये लोग क्या हो गए, ये लोग बाहर ही रह गए। मतलब मेरे भाई बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहां पे क्या हो गया, ये जो सेकंड वाले बेंच वाले हैं, या पीछे वाले ले लेते बैक बेंचेस जो हैं, जो बैक बेंचेस हैं वो बाहर रह गए, आते करते हुए, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं, बट बातें कर रहे हैं बेसिकली, हमारे एग्जांपल के लिए वो बातें कर रहे थे समोसे के ऊपर कि बहुत अच्छा समोसा बना है, मजा आ गया, बहुत शानदार, तो वो बाहर रह गए। अब केस नंबर 3 क्या बन जाता है, केस नंबर 3 ऐसा बनता है, ये सिंस 12वीं की क्लास है तो मैं 12वीं का एग्जांपल लेना चाह रहा हूं, ये सब के सब हमारे पास, ये रिसेस केस नंबर 1, मतलब फॉर एग्जांपल मंडे को ये हुआ, ट्यूसडे को ये हुआ, वेडनेसडे को ये हो गया, सारे आगे, तो फिर डिफरेंट कैसे बनेगा भाई, ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि बिल्कुल ध्यान सुनना, मैंने ये बोला, हाँ क्या बोलना चाहता मैं, हाँ मैंने ये बोला कि अब एक 11वीं का बच्चा है, 11वीं का बच्चा वो आया, ठीक है,
उसने पता नहीं कौन सा समोसा खाया, क्या नशीला पदार्थ है उसके अंदर, वो अब 12वीं की क्लास के अंदर आके बैठ गया। तो अब क्या हुआ, एक 11th क्लास का बच्चा है, अब वो आके 12th क्लास के अंदर बैठ गया, ठीक है, तो बिठाइए उसको यहां पे। तो अब एक 11th क्लास का बच्चा आके आप सभी के साथ बैठ रहा है, ठीक है, इसको बिठा देते हैं सर। 11th क्लास का बच्चा आके बैठ गया क्लास 12th के साथ, ठीक है, उसके पता नहीं समोसे में कुछ मिक्स कर दिया गया था कुछ बदला लेने के लिए। तो अब जो एक्स्ट्रा पर्सन आया, देख लेते हैं यहाँ पे एक बार क्या हो रहा है उसके साथ, बना लेते पहले। तो इनिशियल केस ये था, इनिशियल हमारे पास ये केस था जो मैं आप सभी के सामने बना के दिखा रहा हूं, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे अब एक एक्स्ट्रा मेहमान आ गया, वो यहाँ पे था, वो यहाँ पे आके बैठ गया। 11th का बच्चा जो है उसको मैं येलो डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, समझ आ रहा है। तो इस प्रकार का स्कूल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। नॉर्मल सिनेरियो ये होता है जब हड़कम मच गया, बिकॉज बच्चे लेट आ रहे हैं तो कहीं पे भी जाके बैठ जाएंगे। रिसेस नंबर 2 में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कपल है जो बाहर रह गया बिकॉज वो लोग बातें कर रहे थे कि समोसा कितना अच्छा है, मजा आ गया खा के। और उसके बाद हमारे पास रिसेस नंबर 3 जो वेनसडे को हो रहा है, जहां पे 11th क्लास का बच्चा कुछ नशीले पदार्थ का सेवन करके क्लास 12th के अंदर घुस गया है रिसेस के बाद। ये हमारे पास 3 केसेस बन रहे हैं। तो यही हमारे पास समरी बनती है डिफेक्ट्स की। मुझे बताना, अगर मैं इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला ढूंढना चाहूं, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा बताइए, B5G5 दैट इज वंस अगेन BG बन के आ गया, वंस अगेन BG बन के आ गया। जो कपल वाला है वहां पे मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या बन रहा है, वहां पे देखो ध्यान से B4G4, लेकिन जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम रहे, समझ आ गया, BG। और जो केस नंबर 3 है वहां पे जो मॉलिकुलर फॉर्मूला बन रहा है दैट इज B5G5, और बच्चे को क्या माने अपन, सी मान लेते हैं, ठीक है, सी है वो, ठीक है, तो C1, तो सी मान लिया जाए उसको, तो वो C1 बन के आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे क्या है, मुझे एक चीज समझ आ रही है, जैसे मैं सर बोल रहा डैश मान लो, ठीक है, तो डैश जैसे आपके हिसाब से भरना है तो वो भर सकते हो। सी से क्यूट भी हो सकता है, सी से चूहा भी हो सकता है, छोटू भी हो सकता है, या जो चीजें आप सोच रहे हो वो भी हो सकता है। तो यहां पे हम लोगों ने इसको C1 मान लिया। अब यही सब, इसी सब को हम बोलते हैं भाई डिफेक्ट्स, समझ आ रहा है, कैसा डिफेक्ट। अब क्या करो, अब अपने दिमाग में क्या करो, सोचो कि जो बी है वो कटायन है। अपन इसको अगली क्लास में प्रॉपरली लिखेंगे, ऑब्वियसली, तो मैं समझा रहा हूं ताकि आपको फील आ जाए, अगली क्लास में प्रॉपरली डेफिनेशन के साथ देखेंगे। मैंने क्या बोला भाई कि जो बी है वो कटायन है, अब कटायन मानो दिमाग में, और जी है वो अनायन है। ये हमारे पास एक आइडियल क्रिस्टल है, समझ आ रहे, आइडियल क्रिस्टल है। केस नंबर 1 में क्या हुआ, केस नंबर 1 में ये हो रहा है कि बस जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डेविएट हो गए, समझ आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाना चाहूं तो अगर वो फेस सेंटर नंबर, अरे ये क्या हो रहा है, ये जो फेस सेंटर नंबर 1 पे बैठा है वो फेस सेंटर नंबर 2 पे बैठ गया, बस इतना सा, समझ आ रहा है। उससे कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं चीज बता रहा हूं। सेकेंड केस क्या हो रहा है, जिसको हम बाद में जाकर शॉर्ट किए फ्रेंकल में से बोलेंगे, क्या बोलेंगे अगले लेक्चर में देखेंगे। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, मैंने कटायन और अनायन ही हटा दिया, मतलब एक पेयर हटा दी, एक कटायन एक अनायन हटा दिया मैंने उस सिस्टम में से। मतलब अगर मैं एक पेयर ऑफ कटायन एंड अनायन हटाऊं, मतलब फॉर एग्जांपल एक कॉर्नर पे कटायन है एक और कॉर्नर पे अनायन है, तो वहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे, एम्पेरिकल फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ आया सबको लॉजिक में, क्या समझाना चाह रहा हूं। कितने प्रकार के डिफेक्ट्स बनेंगे, 3 प्रकार के। नंबर 1, जहां पे बस एक दूसरे की पोजीशन से शिफ्ट हुए हैं, एक दूसरे के बेंचेस से शिफ्ट हुए हैं। नंबर 2, जहां पे कुछ ना कुछ मिसिंग हो गया, मतलब एक कटायन एक अनायन मिसिंग हो गया, दो कटायन दो अनायन मिसिंग हो गए। फॉर एग्जांपल मैंने 2 कपल्स ले लिए, ठीक है, समझ आ रहे, तब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है। अगर वो पेयर में मिसिंग हो रहे हो तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको हम डेफिनेशन वाइज अगली क्लास में लिखेंगे, स्ट्रक्चर में, हाँ, वो सब लिखूंगा। अभी मैं बस बेसिक समझा रहा हूँ रियल लाइफ एग्जांपल के द्वारा, अगली क्लास में प्रॉपरली अपन हेडिंग डाल के करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा, ठीक है, बस रुक जाइए उसके लिए। एंड जो केस नंबर 3 है, जो अलग वाला डाउट था कि कोई इंप्यूरिटी आके बैठ गया, समझ आ रहा है, तो वो जो इंप्यूरिटी था वो अब ये है,
समझ आ गया। तो यही चीज यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, तीन प्रकार के डिफेक्ट्स एग्जिस्ट करेंगे जिनको हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, समझ आ गया। ये रफ है पूरा उस डिफेक्ट्स के बारे में जो केस नंबर वन बेसिकली बन के आता है, जो केस नंबर टू बेसिकली बन के आता है उसको बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट, जो केस नंबर वन बन के आता है उसको बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट, एंड जो केस नंबर थ्री बन के आता है उसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इसको हम अगली क्लास विद द हेल्प ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री में कंटिन्यू करना चाहेंगे। सिर्फ